हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं रन एट माइकल लिनहार्ट। आज हम आपसे फिर लाए हैं आपके लिए न्यू सर्विसेज कि आप अपना बिजली बिल पे कैसे कर सकते हैं, बिजली बिल कैसे पे कर सकते हैं और किसी भी स्टेट का आप बिजली बिल पे यहां से कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना BBPS ओपन करेंगे, बिजली बिल पेमेंट उसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद बिल कैटेगरी में जाएं, जिस तरह का बिल पेमेंट है इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल तो आप इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट कर लें। बिलर नेम जिस स्टेट से है उस स्टेट का चॉइस कर लें। चॉइस करने के बाद सर्कल, आप यहां से सर्कल सेलेक्ट कर लें, उसका सर्च करें। सर्च करने के बाद यहाँ आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, आप सिलेक्ट करके उसे प्रोसेड करें। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बिजनेस आपका बीपी नंबर जो है आप वो बीपी नंबर यहाँ पे इंटर करें। और जैसे आप बीपी नंबर इंटर करते हैं नीचे मोबाइल नंबर वही डालें कस्टमर का या अपना डालें, क्योंकि इसी से आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। तो आप बड़े ध्यान से मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कस्टमर का नाम डालें, नाम कुछ भी डाल दीजिए, आप गलत नाम भी डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, तो आप ट्रायल कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेड करें और आप यहां देख सकते हैं कि प्रोसेड करने के बाद गलत नाम डाला था हमने, तो यहां पे वो बिजली बिल किस नाम से है वो सामने शो करेगा। आप देख सकते हैं कि बिजली बिल किस नाम से है, बिल पेमेंट कितना करना है, अमाउंट आ गया है, ड्यू डेट कब की थी, तो इसी तरह वो बिजली बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। सर नाम देखिए हमने गलत डाला था, वो भी सही हो गया, किस नाम से कस्टमर है वो नाम आ गया। उसके बाद आप नीचे सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे बिल पे में, जैसे बिल पे करेंगे यहाँ पे नाउ का ऑप्शन है, आप यहाँ से नाउ करें। जैसे आप नाउ करेंगे आपके वॉलेट से डिडक्ट होकर बिजली बिल पेमेंट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं बिजली बिल पेमेंट हो गया है। इसी तरह आप प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट देना चाहें प्रिंट भी दे सकते हैं, ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं कि सक्सेस है या फेल, तो आप उसी तरह से ट्रांजेक्शन भी चेक कर सकते हैं कि ट्रांजेक्शन बिजली बिल पेड हुआ है या पेंडिंग है या होल्ड है, तो इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाएं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाने के बाद ओपन करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन में सारी डिटेल मिल जाएंगी। उसके बाद आप अपने लेजर में भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और इसी तरह आप बिजली बिल पेमेंट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है सेम आप एड कंप्लेन में जाएं, एक्सप्रेसो में जाएं, और आपको जिस तरह का प्रॉब्लम है BBPS बिजली बिल का, तो आप वो प्रॉब्लम नीचे दिया हुआ है BBPS ट्रांजेक्शन इश्यूज, तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप वहाँ से लॉग इन करके कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी कंप्लेंट भी लॉक करेंगे। हमेशा याद रखिए आप कंप्लेंट जितना ज़्यादा लॉक करेंगे उतना ज़्यादा सर्विस और सॉल्यूशन मिलेगा। देन आप लेजर में जाके भी आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपको क्या कमीशन मिल रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग द चैनल रन एट माई क्लीन हार्ट, और इसी तरह हम अपडेट लेते आ रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट रहा था, हम इसी तरह और अपडेट लेके आएंगे और नए बिजनेस के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।